हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल चलो पढ़े में। आज हम इस वीडियो में 9th एनुअल का सैंपल पेपर करेंगे और ये जो सैंपल पेपर है बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, हमने 5 क्वेश्चंस लिख लिए हैं, पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर क्या है बाकी के क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपने कॉपी और पेन पकड़ना है, इसको नोट डाउन करना है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 0.588, इसके ऊपर बार है इन पी बाई क्यू फॉर्म, इसको कन्वर्ट करना है। 0.588 बार को पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं कन्वर्ट वो देख लेते। अगर मैं कहूं कि ये जो अगर मैं एक्स ले लेता हूं 0.88 बार को, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बार का मतलब होता है रिपीट हो रही है वैल्यू, जो 0.588 588 588 इस तरीके से ऐसे रिपीट होती रहेगी। ये x की वैल्यू ले ली हमने। अब क्योंकि बार 3 डिजिट के ऊपर है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से। तो 1000 से x को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, और इसको भी। जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 प्लेस खिसक जाएगा, तो ये जाएगा 588.588 ऐसे करके। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी पहली इक्वेशन, और ये हो जाएगी सेकेंड। तो हम क्या करते हैं सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो जो सेकंड इक्वेशन है वो है 1000x इज इक्वल टू 588.588588, और जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू 0.588588। तो ये सारी वैल्यूज कट होगी, तो 588 में से 0 गया तो 588 इज इक्वल टू 1000x में से x गया तो 999, यानी 999x बचेगा, तो इंटू में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये जाएगा 588 डिवाइड बाई 999। तो अभी ये 3 से कैंसिल आउट हो सकता है, 3 से काट दो इसको, 3 9 27 3 6 8 3 से इसको काट दो, 3 3 3 आ जाएगा। अब ये क्या है कैंसिल आउट नहीं हो पा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। आपने इसको नोट डाउन कर देना है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, नोट डाउन कर लें और मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब क्या है हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देखो, राइट द जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल px = 5x + 2, यानी 5x + 2 है, इसका जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल लिखना है। जब भी जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल लिखना होता है तो उसको जीरो के बराबर रखते हैं, प्लस सॉल्व करते हैं, ये प्लस 2 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, x = इनटू में इधर डिवाइड हो जाएगा, तो -2/5 हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। बहुत ही आसान है, इसी को हम बोलेंगे जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल। ये हमारा जीरोस आ गया, तो इस तरीके से सॉल्व करें x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2, तो हमें वैल्यू निकालनी 4x² + 4x². अच्छा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो 2x का होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं हम, यहाँ पे माइनस 2x इंटू 2x, माइनस 2 इंटू 2x इंटू 2x, इसको माइनस कर दें और प्लस कर देते हैं 2 इंटू 2x इंटू 2x, मतलब हमने माइनस किया इस वाली टर्म को और प्लस किया इस वाली टर्म को इसलिए किया ताकि हमारे पास जो फॉर्म आ जाए वो आ जाए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab वाली फॉर्म। एक बार माइनस किया एक बार प्लस किया, माइनस प्लस से कैंसिल आउट हो देंगे दोनों, इससे कोई फर्क इक्वेशन में नहीं पड़ेगा। तो अब लग रहा है मेरे को ये कौन सी, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है a माइनस b के होल स्क्वायर, मतलब a इसको मान लेंगे और b इसको, तो इसमें लगाएंगे ब्रैकेट ये यहां तक, है ना, ये जाएगा 2x माइनस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस यहाँ पे कितना बचेगा देखो, x x कैंसिल, 2 2 4 2 8 बच जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, तो जब हम इसको आगे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 कॉमन ले लेते हैं। जब भी हम 2 को स्क्वायर से 2 को कॉमन लेंगे ना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा बाहर, जब ये आएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये जगह 4, और अंदर बच जाएगा x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस 8। अब यहाँ देखो x माइनस 1 बाई x की वैल्यू क्या थी, 2 थी, यहाँ पे 2 वैल्यू पुट कर दो, 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8, तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस 8, 4 4 16 प्लस 8 24 आया, कितना आ गया हमारा आंसर 24। समझ आया होगा आपको, ठीक है, आपने नोट डाउन कर, ठीक है, करो तो
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बहुत ही आसान है ये। 49a² + 70ab + 25b² इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है, और आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कि इसमें कोई आइडेंटिटी यूज होगी। तो 49 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 7 का स्क्वायर, मतलब 49a² प्लस लिख सकते हैं क्या 7a का होल स्क्वायर, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस 25 को ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं 5b का होल स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25, और इस वाली टर्म को ऐसे लिख लो 2 × 7a × 5b, अगर सॉल्व करोगे तो 7 × 5 = 35 = 70। तो ये वाला इसको इस फॉर्म में लिखने पे हमको ऐसा लगा ही कि ये इस फॉर्म में आ गया। ये वाली फॉर्म क्या होती है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, तो a के क्या आ रहा है यहाँ पे, a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू 5b, तो 7a + 5b का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको फैक्टराइज कर दिया। तो अगर ये होल स्क्वायर तो इसको लिख लेंगे 7a + 5b और 7a + 5b, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया, समझ आया, नोट डाउन करना है, बढ़िया करके पढ़ना है, ठीक है, करें नोट डाउन इसको, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दूँ। तो यहाँ तक हो गया है हमारा, यहाँ तक हो गया है ये क्वेश्चन, अब बचा पांचवा क्वेश्चन, ठीक है, इसको रिलीज कर दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ एरिया 4√3। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसका एरिया देखा 4√3, हमें इसकी साइड निकालनी, क्या निकालनी साइड। तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर होती है, अगर मैं इसको ए ले लूँ, इसको ए ले लूँ, इसको ए ले लूँ, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, क्योंकि तीनों साइड बराबर होती है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है √3/4a² एरिया दिया हुआ है 4√3 = √3/4a² 4 यहाँ डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, 4 × 4√3 = √3a² अब रूट थ्री यहाँ इंटू में इधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो √3 से √3 कैंसिल है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4 × 4 = 16 स्क्वायर रूट a = 16 का रूट कितना होता है, तो 16 का रूट होता है 4। तो हमारे इक्विलेटरल जो ट्राइंगल है उसकी जो साइड है वो कितनी आ गई है 4 आ गई है। समझ आया होगा आपको, बहुत ही आसान था ये तो आता ही था। तो अब हम क्या है बाकी के क्या है पांच क्वेश्चन लिख लेंगे, पांच तक हो गए ना, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन ये रहे। तो पहला है राइट द फॉर्मूला ऑफ द क्लास मार्क ऑफ अ क्लास, तो कोई क्लास दे रखी है सपोज जैसे 10 और 20, वो कह रहा है इसके क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला आपको मैं याद दिला देता हूं, ठीक है, आपने बुक में भी चेक करने एक बार, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, ये हमारा क्लास मार्क का फॉर्मूला है। और अगर सपोज क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इसका क्लास मार्क निकालो, तो हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करेंगे, अपॉन में 2 कर देंगे, यानी 10 + 20 = 30/2, कितना आ गया इसका क्लास मार्क, तो इसका क्लास मार्क आ गया 15। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसमें क्या है इस तरीके से बनाया हुआ है, और इधर क्या है ये कॉर्ड है हमारी, कॉर्ड यहाँ जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 8, और इधर जो बना रहा है वो है x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि जब भी एक कॉर्ड क्या है सेंटर पे जितना एंगल बनाती है उसका हाफ कहाँ पे बनाती है, अदर पार्ट ऑफ द सर्कल। तो अगर यहाँ 80 है तो 80 का हाफ यहाँ पे बनेगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 का हाफ कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा हमारा। और हम ऐसा क्यों, बाई थ्योरम, थ्योरम कहती है, आपने थ्योरम पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो उसको एक बार बुक में चेक कर लेना, ठीक है। इस थ्योरम से क्या है हमारे x की वैल्यू 40 है, समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन, ये 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है हमें क्या है एक जो ट्राइंगल है उसका एरिया निकालना है जिसकी साइड है 3, 4, 5। तो मतलब इसका किसका क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा वो हीरोन्स फॉर्मूला का है, किसका क्वेश्चन है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, S S-A S-B S-C और रूट कर दो तो हमारा एरिया आ जाएगा। अब इधर S क्या होता है, S होता है हमारा सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तीनों को ऐड करते हैं 3 + 4 + 5 और इसका हाफ कर दें, S = 4 × 3 = 12 का आधा कर दो कितना हो गया है 6, तो सेमी पेरीमीटर आ गया 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 6, फिर 6 माइनस पहली वाली जो साइड है A वो कितनी है 3, 6 माइनस दूसरी साइड क्या है B, मेरे साथ साथ आपने सॉल्व भी करना, अगर आपको आता है ये क्वेश्चन तो आप अपनी कॉपी में सॉल्व करो जरा, और देखो जरा आंसर यही आ जाएगा आपका 6 - 5 और ये रूट लगा दें, ठीक है 6 × 6 = 3 × 6 = 4 × 2 × 6 = 5 तो ये 1 हो गया। अब ये देखो रूट लगा दो यहाँ पे, इसको 6 को लिख दो 3 × 2 × 3 × 2 × 1, तो 1 लिखने की जरूरत तो है नहीं। अब यहाँ देखो 3 का पेयर और 2 का पेयर बन गया, तो
थ्री के पैर में से एक थ्री बाहर आ जाएगा और टू के पैर में से एक टू बाहर आ जाएगा, 3 × 6 cm² इसका एरिया आ गया, कितना आ गया 6 cm². क्या यही आया क्या आपका? ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, खुद से आपने ट्राई कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करो 2x² + 9x + 4 को। किसको फैक्टराइज करना है? 2x² + 9x + 4 को। अब फैक्टराइज कैसे करते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं? 4 का इनटू 2 से करते हैं, 4 2 जब 8 आ जाता है, 8 के इस तरीके से फैक्टर लेना है हमने कि इनटू करके तो 8 आना चाहिए और ऐड करके 9 आ जाए। ठीक है, तो वो क्या होता है 4 2 8, एक होता है 8 1 8 आ गया और 8 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इसको स्प्लिट कर दो, तो इसको स्प्लिट करेंगे 2x² + ये हो जाएगा 8x + x में 1x x ही होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको 8x को करो 2 × 4x, इधर क्या है यहाँ पे 2x आ रहा है, इधर भी 2x आ रहा है, तो 2x बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा x + 4। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x + 4 यहाँ भी कॉमन आ रहा है, x + 4 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 2x + 1 बच गया। इस तरीके से हमने क्या कर दिया इसके फैक्टराइज। फैक्टराइज का एक क्वेश्चन जरूर एनुअल में आता है, आपको क्या है फैक्टराइज को ज्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक, अब हम लोगों का है 10th क्वेश्चन, और 10th क्वेश्चन में कहा हुआ है कि x + 1 फैक्टर है किसका? x⁻⁹ का। ये आपको क्या करना है? प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करते हैं? तो हमें बताइए, अगर x + 1 फैक्टर प्रूव करना है तो इसलिए x + 1 को 0 के बराबर रख लो, +1 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 0 में से 1 गया तो माइनस होगा। अब ये जो वैल्यू है x⁻⁹, रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि ये वैल्यू पुट करेंगे अगर ये 0 आता है तो फैक्टर होगा, 0 नहीं आता फैक्टर नहीं होगा। x की वैल्यू -1 पुट करो, -1 की पावर 19 + 1, -1 की पावर 19 में होगा तो कितना हो जाएगा -1 और ये आएगा +1, -1 + 1 कितना हो गया 0, तो हम लिखेंगे यस x + 1 इज अ फैक्टर, x + 1 क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक कॉर्न कॉप, कॉर्न कॉप का मतलब होता है कि मक्की देखो कि मक्की है ना, तो मक्की जो कॉर्न कॉप है उस वो क्या है कॉनिकल शेप में है, जिसकी क्या है आपको रेडियस दी हुई है 7 सेंटीमीटर, रेडियस है 7 सेंटीमीटर और ये जो इसकी लेंथ या फिर हाइट है वो है 24 सेंटीमीटर। आपको पहले पार्ट में स्लैंट हाइट निकालना है, स्लैंट हाइट होती है एल। मैं आपको बता दूं क्योंकि इसमें पाइथागोरस लगता है, तो स्लैंट हाइट का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है L² = R² + H² याद है क्या आपको? कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो इसको एक बार बुक में चेक करना और देख लेना। ठीक है, L = √R की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर कर दो, हाइपोटेनस हाइट है सॉरी 7 का स्क्वायर 49 होता है और ये होता है 576। अब इसको ऐड करेंगे तो जाएगा 625। एल कितना लगेगा? 625 किसका रूट होता है? ये होता है 25। किसका रूट होता है? 25। एल 25 आ गया। ठीक है, ये पहला पार्ट हम लोगों का हो गया। दूसरा पार्ट में क्या कह रहा है? दूसरे पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द सीएसए ऑफ कोण। तो सीएसए ऑफ कोण क्या होता है? सीएसए ऑफ कोण होता है हम लोगों का पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू होती है 22/7 और रेडियस कितनी है यहाँ पे? तो रेडियस देखो तो देखो तो देखो तो कितना है 7। रेडियस है 7 इंटू एल, अभी निकाला हमने कितना 25। 7 से 7 कैंसिल, तो 22 का इंटू 25 से करोगे 25×50 = 550 cm² ये हमारा सी एस एल है। मतलब जो यहाँ ये वाला जो एरिया होगा कॉर्न मतलब कॉर्न का वो कितना जाएगा 550। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट में कह रहा है कि अगर ये जो कॉर्न का 1 सेंटीमीटर का पार्ट है उसमें 4 दाने कॉर्न है, मतलब मक्की की जो दाने हैं वो 4 हैं, तो बताओ कि टोटल कितनी दाने हैं इसमें? आपको आपको ये पता है ना सी एस ए 550 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर² में कितना है 4 ग्रेन है। ठीक है, तो 550 सेंटीमीटर² में कितने ग्रेन्स हो जाएंगे? तो आप क्या करना 550 का इंटू 4 से करना, 4 × 0 = 5, 4 × 20 = 22 ठीक, तो किसमें 2200 ग्रेन्स आ जाएंगे, 2200 ग्रेन। नोट करो तो सर,
क्वेश्चन है रैशनलाइज, तो रैशनलाइज आपको आता होगा, आपको याद दिलाते हैं रैशनलाइज कैसे करते हैं। तो 1/√7 - √6 का हमने रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो वैल्यू यहाँ पे होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं बस, और इंटू कर देते हैं, यानी √7 + √6 का इंटू करेंगे नीचे, और ऊपर भी √7 + √6 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 + √6 ही रह जाएगा। अब अपन में ये क्या है, ऐसा लग रहा है a - b और a + b है। a - b a + b क्या होता है, a² - b² होता है। a की वैल्यू कितनी है, √7 - √6 हो जाएगा ये, अपॉन में √7 - 7 हो गया और -√6 - 6 हो गया, 7 में से 6 किया 1 में से। √7 + √6 अपॉन में 1, इसका मतलब क्या है, 1 से डिवाइड करेंगे तो उतनी वैल्यू आ जाएगी, √7 + √6 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या कर दिया है, रैशनलाइज किया है। तो इसको इरेज कर देते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे ऐसा कुछ करके डायग्राम दिया हुआ है आपको, AOC + BOD का सम जो है वो 70 है, हमको COD निकालना है। तो AOC कहाँ पर है, इधर है, और BOD कहाँ है, इधर है। इन दोनों का सम कितना है, AOC और BOD का जो सम है वो 70 है। अगर मैं तीनों एंगल को जोड़ दूँ तो यहाँ स्ट्रेट लाइन बनती है। जब भी स्ट्रेट लाइन बने तो सारे एंगल का सम लेता हूँ 1 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल AOC + COD + BOD तो क्या करेंगे, हम सिर्फ करेंगे 15th क्वेश्चन तक, बाकी के जो 15th क्वेश्चन है वो दूसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये तभी डिस्कस करेंगे जब आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है, कि सेकंड पार्ट भी बनाओ, क्योंकि वो भी बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। तभी हम लोग क्या है, कल सेकंड पार्ट के करेंगे। तो 998 का क्यूब क्या होता है, तो इसको सॉल्व करना है आइडेंटिटी से। तो 998 को हम लिख लेंगे 1000 - 2 का, यानी इसमें ये हो जाएगा a - b का होल क्यूब होता है a³ - b³ - 3a² b + 3ab² ऐसे करके ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू 1000 रख लो, 1000 का क्यूब कर दो, और b की वैल्यू 2 रख दो, तो 2 का क्यूब -3 × 1000 का स्क्वायर इंटू b कितना है 2 + 3 × 1000 × b कितना है 2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 1000 का क्यूब यानी 3 0 है, 3 का 3 3 9 यानी 9 0 जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 2 का क्यूब कितना, और 2 2 4 2 8, 3 × इसका स्क्वायर कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 × 2 + 3 × 3000 हो गया ये, और 2 2 4 तो ये जाएगा। तो अब क्या है, ये वैल्यू जो है इसको आपने खुद से सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है, आपको बताना है कितना है आंसर। इतना तो कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो फिर हमारा बचता है लास्ट क्वेश्चन, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक सर्कल है, इसमें एक इसमें क्या है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल, दो कॉर्ड खींची गई है, एक कॉर्ड खींचे हमने ए बी और दूसरी खींची गया पी क्यू। कह रहा है ये दो कॉर्ड है और हमें ये प्रूव करना है कि इनकी जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी सेंटर से। तो देखो सेंटर, ये इसको ले लो ओ, यहाँ से जो डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर ली जाती है, तो इसको ओ एम ले लो, ओ एक्स ले लो, फिर यहाँ से क्या है ऐसे कि जो 90 ये सेंटर से डिस्टेंस है इस वाली कॉर्ड की, तो इसको ए ओ वाई। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि जो ये क्या है, ये जो डिस्टेंसेज हैं ये क्या है, सेम होगी। इसे प्रूव करने के लिए हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं, क्योंकि हमको ना कॉर्ड इक्वल दी भी है, पहले यहां लिखना पड़ता है कि गिवन क्या है। तो गिवन ये है कि जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर है। प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि जो ओ एक्स है वो ओ वाई के बराबर होगा, यानी ओ एक्स ओ वाई बराबर होगा। इसे प्रूव करने के लिए दो ट्राइंगल ले लेंगे, ये वाला और ये वाला।
अब क्योंकि हमें पता है कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, तो पहले लिख लेते हैं कौन सा ट्राइंगल, तो लिख लेंगे इन ट्राइंगल ओ एक्स बी, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल ओ वाई क्यू। तो हमें पता है कि ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर, और ए बी का अगर हाफ कर दूँ और पी क्यू का भी हाफ कर दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी का हाफ क्या होता है, ए बी का हाफ हो जाएगा, ए बी का हाफ होगा एक्स बी, क्या हो जाएगा एक्स बी, और पी क्यू का हाफ कितना हो जाएगा वाई क्यू। तो दोनों क्या हो गए, क्योंकि दोनों ए बी पी क्यू के बराबर था तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये तो हमने प्रूव कर दिया भाई, ठीक है, ये दोनों बराबर, एक 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 तो डेटा मिल गया हमको, ये इसके बराबर नहीं। दूसरा देखो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इस एंगल का नाम लिख देते हैं बी एक्स ओ, एंगल बी एक्स ओ इज इक्वल टू एंगल ओ वाई क्यू, ओ क्यू वाई ओ, क्यों में क्यों है इक्वल, क्योंकि 90 डिग्री। तीसरा डेटा देखो, ये वाला देखो, सॉरी ओ क्यू, ओ क्यू जो होगा वो किसके बराबर, ओ बी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ओ क्यू के बराबर। ओ बी जो है वो रेडियस है, ओ क्यू भी क्या है, रेडियस है, एरिया। ये y कौन सा क्राइटेरिया लगा, तो y ये 90, ये हाइपोटेंस, तो y लगा आर एच एस क्राइटेरिया। तो आर एच एस क्राइटेरिया से ट्राइंगल जो ओ एक्स बी है वो ओ वाई क्यू के बल कॉन्वेंट हो गया, क्या हो गया कॉन्वेंट, और जब भी ये दो कॉन्वेंट होंगे तो ओ एक्स ओ वाई के, ओ एक्स ओ वाई के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा वाई सी पी सी टी। और हमको यही प्रूव करना था, लिख लेंगे हैंड से प्रूव। तो बच्चों समझ आया होगा, आपने क्या है से लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और मुझे कमेंट डाउन करना है कि सेकंड पार्ट लेके आना है या नहीं लेके आना है, ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ऐसे ही हम साइंस का एग्जांपल पेपर लेकेंगे। थैंक यू वेरी मच।